हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ बिग बॉस सीजन 18 के एक कंटेस्टेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। द वन एंड ओनली कलर्स चैनल के जाने माने और चहेते चेहरे विवियान डी सेना। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये लाइमलाइट में पता है कब आया, जब इन्होंने अपना रिलीजन को कन्वर्ट करके अपनी एक मामूली फैन से शादी कर ली। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो विवियान है वो बहुत ही ज़्यादा शो में नज़र आ चुके हैं, जैसे कि शक्ति एंड देन उसके बाद वो उनका सबसे ज़्यादा बेस्ट सीरियल था जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, वो था मधुबाला। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साल 2013 में शादी की थी। बेबीज डोरम जी। सो गाइस, इनकी शादी करने के बाद ये शादी कुछ ज़्यादा दिन तक चली नहीं और साल 2016 में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब मैं आपको बता दूँ, जो विवियान है वो बेसिकली उज्जैन मध्य प्रदेश से है। उसके बाद जो हमारे विवियान है उन्होंने इजिप्ट के एक नॉर्मल जर्नलिस्ट से शादी कर ली, जिनका नाम है नौरन अली, जो बेसिकली इस्लाम रिलीजन से बिलोंग है। और उनसे शादी करने के बाद विवियान ने भी अपना जो रिलीजन है उसे चेंज कर लिया और उनका अब ये बोलना है कि वो अपने रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं। और उनका ये बोलना है कि नमाज पढ़ने के बाद उनको काफ़ी सुकून मिलता है। सो गाइज, यहाँ पे जो विवियान है वो दोबारा आ गए हैं अपने आप को दिखाने के लिए लाइमलाइट में बिग बॉस सीजन 18 में। तो देखते हैं इनका परफॉर्मेंस रियलिटी शो में कितना हद तक ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिटी शो कर लिया, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी एंड देन उसके बाद झलक दिखला जा। सो गाइस, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विवियान। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए जा, बाय बाय।